सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी में जो कि ग्रामर दी है, फर्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी फाइव। इनमें से आपको पांच करने हैं और सारे सही करने हैं बच्चों, बिल्कुल गलत मत करके आना। इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे डूएस डायरेक्टेड मैंने सभी को करवा दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट लिखा हुआ है आई हैव सीन ब्लैंक लॉट ऑफ प्लेस, मैं बहुत सारे जो है प्लेसेस देख चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑल ए एन या फिर द, बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर आप फर्स्ट देखिए, यहाँ पर जस्ट इसके बाद क्या है लिखा है, क्या लॉट, लॉट को हम कैसे पढ़ते हैं, एल को क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ला। तो ला क्या हिंदी वोवेल है, नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए। तो आंसर आएगा आपका ए, ठीक है। सेकेंड है आपका आई प्रेफर टी, फिर आपको लिखा है कॉफ़ी, मैं जो है कॉफ़ी, मैं टी की जगह कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जब भी प्रेफर की बात आती है हमेशा टू आता है, क्या आता है, टू। तो आप यहाँ पर क्या लिखिए, टू लिखिएगा, ठीक है। थर्ड देखिएगा बच्चों, मैंगो आर विंग, मैंगो आर विंग व्हाट, वाई या फिर वाइंग या फिर वाई। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बाइट तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि बॉट आता है, लेकिन इसमें विंग लिखा है। जब भी आपको विंग दिखे तो विंग के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तो आप यहाँ पर बॉट लिख दीजिए, इसका राइट आंसर वॉट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम, फोर्थ वाला, आनंद इज एम ए इन इंग्लिश, आनंद जो सॉरी आनंद है उसने क्या कर रखी है, एम ए कर रखी है इंग्लिश में। अब आप बताइए यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा या द आएगा या नो आर्टिकल आएगा। देखिए यहाँ एम ए लिखा है, तो अपन सबसे पहले कोई विशेष तो चीज़ दी ही नहीं है, तो द तो कैंसिल हो गया। ए आएगा या एन, सबसे पहले हम एम को प्रोनाउंसिएशन करके देख लेते हैं भाई, एम, एम का प्रोनाउंसिएशन होता है एम। तो क्या एम आपका हिंदी बॉबिल में आता है, आ से लेकर आह तक कहीं आपको ए दिखता है, बताइए दिखता है कि नहीं, हाँ दिखता है, ये आता है, तो यहाँ पर एन आएगा। अगर यहाँ पर ए प्रोनाउंसिएशन नहीं होता तो ए आता, राइट आंसर है आपका एन, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिएगा, हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, तो मच, मैनी या फिर सम या फिर एनी, क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर आना चाहिए एनी, क्या आना चाहिए एनी, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है। सम आपको सिंपल या मैं बोलूँ क्या आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है सम आपका, और मैनी जो है आपका किस में आता है, कोई कंप्लेंट्स जैसे लिखा है ब्लैंक के जस्ट बाद वाला अगर शब्द कैसा होना चाहिए, जस्ट बाद वाला शब्द अगर काउंटेबल है और प्लूरल है तो मैनी आता है, तो ये काउंटेबल नहीं है। और मच तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी तो बता ही नहीं रहे हैं, क्वांटिटी वाली कोई चीज़ ही नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर एनी आएगा, ठीक है। अब आप कौन सा देखिए, सिक्स देखिए, ही इज़ पुअर ऑनेस्ट, वो क्या है, गरीब है लेकिन कैसा है, ईमानदार है। तो एंड या बट या और या फिर नॉट, देखिए आप कैसे बोलेंगे, ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट, वो गरीब है और क्या है, क्या है, ईमानदार है, ये तो बिल्कुल नहीं जमा। हाँ अगर यहाँ रिच होता कि वह अमीर है और फिर वो क्या है, ईमानदार है, तो ये जम जाता, लेकिन एंड नहीं आएगा। हमने बोला लेकिन, और लेकिन को इंग्लिश में बोलते हैं बट, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, बट, ठीक है। सेवन्थ सिक्स्थ वाला देखिएगा आप सभी, सॉरी सेवेंथ वाला देखिएगा, सिक्स्थ वाला भी हुआ है, वी ब्लैंक फॉलो द रूल ऑफ द ट्रैफिक, हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करना चाहिए, तो करना चाहिए जो चीज़ मस्ट है, देखिए मुंह से भी मस्ट ही निकल रहा है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको करना ही चाहिए तो हमेशा मस्ट आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं बच्चों, डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव करना है, फर्स्ट लिखा है द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु, आपको इसमें हु करना है। देखिए आपको द बॉय, द बॉय में कोई कॉमन चीज़ दिख रही है, मतलब इसमें भी कॉमन द बॉय है और इसमें भी कॉमन द बॉय है, तो क्यों ना इस कॉमन को ही हम आगे लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इस कॉमन कॉमन चीज़ को पहले लिखेंगे, मतलब हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे बच्चों, ये द बॉय है इसको पहले लिख कर यहाँ हु लिख देंगे, जहाँ मैंने ब्लैक किया वहाँ आप हु लिख दीजिए, कैसे, जैसे मैंने लिखा है द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये पूरा वैसे का। अब ये द बॉय को अपन ने कॉमन लिख लिया तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, अब हम इज से लिखेंगे कि इज़ माई कज़न, जो लड़का लाल शर्ट पहने हुए है वो मेरा कज़न है ना, तो हम इस टाइप से कर लेंगे। सेकंड देखिएगा, हिज ब्रदर इज़ वेरी
स्टडियस ही रियली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट. उसका भाई जो है बहुत पढ़ाकू है, उसके पास कम टाइम होता है किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब मज़े के लिए. ठीक है, तो यूजिंग सो दैट, अपन को इस किसका यूज़ करना है, सो दैट का. सो हम क्या करेंगे, इस वेरी की जगह पर सो यूज़ करेंगे, इस वेरी की जगह पर हम सो यूज़ करेंगे, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि हिज ब्रदर इज सो स्टडियस स्टडियस दैट ही फाइंड टाइम दैट ही रियली फाइंड टाइम फॉर इंटरटेनमेंट. ठीक है, थर्ड वाला देखना बच्चों, हर पेन पुट इंक सम सी इन, इसको रीअरेंज द वर्ड क्या करना है आपको, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. क्या करना है, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. मैन वर्ब कहाँ गई, मैन वर्ब. आप लोग बोलते नहीं हैं यार. देखिए, आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को नॉर्मल करना है. जहाँ सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको लिखेंगे. तो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्या है, सी है. तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सी लिखा. अब आप इसको देख रहे हैं, इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रही नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो हम यहाँ पर पुट लिख लेंगे, सी पुट. अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, सम. पहले हम लिखेंगे क्या, सम. फिर लिखेंगे क्या, इंक. लिखेंगे क्या, इंक. फिर लिखेंगे इन हर पेन. ये सम इंक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इन हर पेन क्या है, अदर वर्ड्स. तो सी पुट सम इंक इन हर पेन. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा कौन सा, फोर. बच्चों, फोर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग. नेहा ने कहा मैं इस बैग को खोलना चाहूँगी. तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. तो नेहा ने कहा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेहा सेड. तो लिखा है नेहा सेड, दैट लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा तो भी लिखना पड़ता है. दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें दैट का यूज़ करना पड़ता है. तो हमने क्या लिखा, नेहा सेड That she wanted. मैंने इस I को C क्यों लिखा, क्योंकि जो I होता है ना वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन रहता है. तो जो आपका जो सेकेंड है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग. तो नेहा किसी लड़की का नाम है, इसीलिए हमने यहाँ सी लिखा. और ये वांट लिखा है, तो ये कौन से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा. तो ये हो जाएगा वांटेड टू ओपन दैट बैग, दिस का दैट हो जाता है. ठीक है, आगे समझ. फिफ्थ वाला देखते हैं, एज सून एज द वॉइस आर द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट. जैसे ही लड़कों ने प्रिंसिपल को देखा वो साइलेंट होगा, चुप हो गए. अब इसको बनाइए क्या आप, नो सूनर देन करके. ठीक है, तो अपन को क्या लिखना है, सबसे पहले एज सून एज की जगह पे नो सूनर लिख लीजिए बच्चों. नो सूनर लिख लिया आपने, फिर इस सेंटेंस को सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है. तो आप इसको देखिए, इसमें सा लिखा है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें सिर्फ सा लिखा है. इसका मतलब ये कौन सा टेंस में है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं. तो हमने डिड लिख लिया, फिर द बॉय लिख लिया, फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, सी, फिर द प्रिंसिपल, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए देन, और दे बिकम साइलेंट, पूरा का पूरा वैसा. ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आते तो मैं टेंस की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा. सिक्स देखिएगा, दे वर फ्लाइंग काइट्स, वो क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं. चेंज द वॉइस, इसको क्या करना है, वॉइस में चेंज करना है. तो सबसे पहले हम काइट्स को लिखेंगे, क्योंकि ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका. अब यहाँ पर आर था, तो इसमें सिर्फ बींग लगाना है अपन को, आर बींग. अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लॉन. क्या हो जाएगी, फ्लॉन. ठीक है, फिर इसके बाद बाय आएगा, फिर इसके बाद हम डैम लिखेंगे. अब आपको समझ में आया कि बींग के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आती है, चलिए उस पर भी गौर फरमा लेते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने लिखवाया था आपको, है कहाँ का, ये वाला देखिए ना, इसको मैंगोज आर बींग बॉट. मैंगो जो है किस खरीदे जा रहे हैं. ठीक है, मतलब इसमें जो है ये कौन सा था, वॉइस में था. ये समझ गए आप, ये आपको गुमराह करने के लिए देते हैं, तो आपको गुमराह नहीं होना, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं. ठीक है, अब आपको सेवेंथ वाला देखना है, वी लिव हेयर सिंस 1952. सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म. यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट मैन वर्ब सही फॉर्म लिखना है, क्योंकि इसमें लिखा है करेक्ट वर्ब, ये नहीं लिखा हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब. देखिए यहाँ पर बच्चों, आप सेंस देख रहे हैं, सेंस देखकर आपके माइंड में घंटी बज जानी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है बताइए,
ये है आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आपको इसको बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन या फिर हैव बीन, और बी के साथ क्या आता है, हैव बीन आता है, तो आपने हैव बीन लिख लिया। फिर अपन मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, आई एन जी फॉर्म, तो हमने लिविंग लिख फर्स्ट में क्या बोला है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स एनी फाइव, आपको पांच करने। तो इसमें फर्स्ट क्या दिया है बच्चों, वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो आप क्या होगे, फेल हो जाओगे। नहीं तो मतलब क्या बोलेंगे, बट मतलब तो लेकिन होता है, एंड मतलब तो और होता है, तो ऐसी जगह पर हम एल्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एल्स क्यों यूज करते हैं हम, वो भी बताते हैं बच्चों आपको। देखिए यहाँ पर else इसलिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि else का मतलब होता है अन्यथा। जब हम यहाँ बोल रहे हैं ना कि work hard, अन्यथा तुम fail हो जाओगे, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम जो है fail हो जाओगे, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, else आएगा। अब second देखिएगा क्या दिया है, सेकेंड ही राइट्स लेफ्ट हैंड, वो किस हाथ से लिखता है, लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ पर आएगा वाई, वो जो है अपने उल्टे हाथ के द्वारा या वाई हाथ के द्वारा लिखता है, यहाँ पर वाई आएगा। थर्ड देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, जो पूल है उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब यहाँ एनी आएगा, सम आएगा या फिर मैनी आएगा, बताइए। तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, पहले बता दीजिए। देखिए मैनी की कंडीशन मैं आप सभी को बताती हूँ, मैनी बोलता है कि ब्लैंक के बाद में, ब्लैंक के बाद में अगर क्या आएगा आपका, आपका काउंटेबल और क्या आपका आएगा प्लूरल, तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो वॉटर बोल रहा है कि मैं कोई काउंटेबल वाउंटेबल नहीं हूँ, मैं तो किसी से नहीं गिना सकता हूँ, तो यहाँ पर तो मैं नहीं बोलता, फिर मैं नहीं लगाऊंगा। तो सम की क्या कंडीशन होती है बच्चों, सम आता है सिंपल सेंटेंस में, तो यहाँ पर तो इन लोगों ने क्या दे दिया है, नॉट, तो ये भी नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा, अब आएगा आपका क्या, एनी, क्योंकि एनी बोलता है कि मैं वहां आता हूं जहां पर नॉट रहता है, तो इसमें सेंटेंस में नॉट है, हाँ है, तो इसीलिए यहां पर एनी आएगा। आप फोर्थ देखिएगा बच्चों, आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, मैं उससे कब मिला, यस्टरडे को मिला। ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखिए, हैडेंट सीन लिखिए, क्योंकि देखिए यहां पर यस्टरडे लिखा है। और सेकेंड बात ये है कि ये जो है आपकी पास्ट की परफेक्ट की है और ये जो है आपके प्रेजेंट की परफेक्ट की है, तो प्रेजेंट का तो इसमें कुछ है ही नहीं, डिडेंट सीन में और हैडेंट सीन में क्या आना चाहिए आपका, मोस्ट करेक्टली बोले तो हैडेंट सी होगा, डिडेंट सी भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपको हैडेंट सीन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ऐसी कंडीशन आती नहीं है कि दोनों चीज़ें साथ में दे दें, यहाँ पर वो कुछ और देंगे आपको, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप हैडेंट सी ही लिखेंगे, ठीक है। फिफ्थ देखिएगा, He teaches in university, वो कहाँ पर पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अब यूनिवर्सिटी को आप कैसे बोल रहे हैं, आप ऐसे देखो यू, इस यू का उच्चारण आप ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना यू का उच्चारण, तो क्या ये जो या है वो बॉवल है, हिंदी बॉवल में आता है, हिंदी बॉवल कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, आ से लेकर आहाँ तक, तो उसमें कहीं आता है, नहीं आता। अगर हिंदी बॉवल नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ए, ही टीचेज इन आ यूनिवर्सिटी, को कहाँ पढ़ाती है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, अब कहाँ पढ़ाती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिक्स देखिएगा बच्चों, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई क्लाइम ट्री, मैं कहाँ पर चढ़ जाता था, पेड़ पर चढ़ जाता था। अब यहाँ पर कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा, चढ़ जाता था, चढ़ सकता था, सकता था। देखिए जब हम कोई एबिलिटी बताते हैं तो कैन या कुड आता है, मे नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैन आएगा या कुड आएगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपको पास्ट में दिया था, तो आपको कैन की पास्ट जो है वही लिखनी पड़ेगी, पास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, कुड, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आई कुड क्लाइम ट्री, सही ये होगा। अगर फर्स्ट सेंटेंस आपको क्या दिया है, फर्स्ट सेंटेंस आपको पास्ट में दिया है, तो आपको सेकंड सेंटेंस को भी पास्ट में ही ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस अगर प्रेजेंट में दिया होता, यहाँ पर इज होता, तो फिर यहाँ पर हम कैन लगा सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव, आपको कैसे करने हैं, पांच करने हैं, ठीक है। ही हैज़ नॉट चीटेड यू, उसने जो तुम्हें चीट नहीं किया है। चेंज इन टू पैसिव वॉइस, देखिए बच्चों ट्वेल्थ वाले बच्चे तो ध्यान दें, आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव तो देने नहीं है, वो क्या देंगे आपको, सब्जेक्ट की ही ऑब्जेक्ट फॉर्म देंगे। ये जो यू देख रहे हैं आप, ये उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसको ही आपको पहले सब्जेक्ट में ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे देख लीजिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, यू, आपने लिखा यू, यू
फिर इसके बाद आप देख रहे हैं हैज़ आया है, तो हैज़ एक टेंस आगे जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है इसमें क्या लग जाएगा आपका, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट की कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बच्चों हैज़ बीन। लेकिन बच्चों यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि इसमें हैज़ नॉट दिया था, क्या दिया था, हैज़ नॉट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यू हैज़, यहाँ पर आप आगे क्या लिखेंगे हैज़ के बाद, यहाँ पर आपको हैज़ के बाद नॉट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा नॉट, फिर लिखना पड़ेगा आपको वीन। आपने लिखा यू हैज़ नॉट वीन, यू हैज़ नॉट वीन क्या बच्चों, चीटेड, तो ये ही आप लिख दीजिएगा क्योंकि चीटेड की थर्ड फॉर्म चीटेड ही होती है। आपने लिखा यू हैज़ नॉट वीन चीटेड बाय, बाय किसके, ही है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा आपका हिम, तो आपने क्या लिखा यू हैज़ नॉट बीन चीटेड बाय हिम, आप ये लिख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा अच्छे अक्षरों में कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड दिया है बच्चों कि दिस इज़ द स्कूल आई टीच हेयर, ये वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। अब इसको आपको क्या करना है, कंबाइन द पेयर सेंटेंस ऑफ सेंटेंस इंटू अ रिलेटिव क्लॉज, इसको क्या है आपको रिलेटिव क्लॉज में चेंज करना है, बस और कुछ नहीं, दोनों को जोड़कर जो है सेंटेंस को, इसको आपको रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको कंजक्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ आपको सिर्फ इस सेंटेंस में क्या करना है, इन दोनों के बीच में दैट यूज़ करना है और ये बन जाएगा आपका क्या रिलेटिव क्लॉज। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है दिस इज़ द स्कूल दैट आई टीच हेयर, ये वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में क्या यूज़ करना है, दैट यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन, कौन सा सेंटेंस देखेंगे, थर्ड वाला, ही डिड इट, क्या हुआ, ही डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव, आपको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव, अब देखना इसमें कुछ नहीं करना है, ही यहाँ पर डिड लिखा है तो आप डिड नॉट लिख दीजिए, और देखिए बच्चों आपको डिड डू डज वाला कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रही हूँ, इतनी मस्त है, डू डज डिड उसमें सब समझाया गया, आप आराम से कर सकते हैं। ही डिड नॉट डू इट, He did not do it. इसमें कुछ नहीं होता है, देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानिए कि कौन सा टेंस है, ये है आपका टेंस बच्चा पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट में सिंपल जब रहता है तो क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, नहीं होती, जब हम उसे नेगेटिव में ले जाते हैं तब उसमें क्या एक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है जो कि डिड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिड है ना वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है ना कि एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जब हम डिड नॉट लगाते हैं ना तो ये तो होती है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होती है उसकी एक्सिलरी वर्ब, और हम फिर इसमें जो डिड है उसकी फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं डू, जैसे हम ड्रिंक की यहाँ अगर ड्रिंक लिखा होता तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या लिखते हैं ड्रिंक, है ना, बस इतना करना है। अब फोर्थ वाला देखिए, कौन सा वाला देखिए बच्चों, फोर्थ वाला, व्हाट ही, हाँ व्हाट ही सेड इज ट्रू, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज्ड, आपने जो क्या है ये अंडरलाइन है ना, ये वाली जो लाइन है आपको अंडरलाइन दिख रही होगी, इसको क्या है पहचानना है कि ये कौन सा क्लॉज है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, और सिर्फ उस क्लॉज का नाम लिखना है। सोचो ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, जो उसने कहा क्या वो सही है, तो उससे रिलेशन बता रहा है, तो ये क्लॉज आपका कौन सा है, रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। और आपको आगे देखना है, आगे देखेंगे आप फिफ्थ वाला बच्चों, तो फिफ्थ वाले में क्या दिखा है आपको कि माय फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इसको क्या है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो लिखना है माय फादर, है ना, ये सेड टू लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये जो है एक फैक्ट है, एक एडवाइस है, तो आप इसे किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप सोचिए कि इज लिखा है तो आप वाज लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है ये माय फादर लिखा है तो आपको माय फादर लिखना है, सेड टू लिखा है तो आप सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे, सेड दैट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे सैड, फिर इसके बाद आपको जो है मी हटा देना है, फिर इसके बाद आप सिर्फ क्या लिखेंगे दैट, आप लिखेंगे देखिए आप सिर्फ इतना लिखेंगे माय फादर, माय फादर मेरे पिताजी जो हैं, माय फादर सैड दैट, ठीक है दैट, अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आप जैसे का तैसा इसको लिख दीजिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना, सेट टू की जगह पे आपको क्या करना है, सेट टू की जगह पे आपको क्या करना है बच्चों,
सेट टू की जगह पे आपको कुछ नहीं करना, सेट दैट करना है, मी को हटा देना, और आपको सिर्फ ये कॉमे वगैरह हटाकर यहाँ पर जो कॉमा लगा है इसको और ये इन्वर्टेड कॉमा में है ये वाले कॉमे भी हटाकर आपको बस कुछ नहीं करना है, पूरे का पूरा वैसा लिखना है। बस आपको ऐसा करना है कि सेट की बात दैट लगा दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। आप सिक्स्थ वाला देखिएगा, एज सून एज द थीप सा द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही मतलब जैसे ही वहाँ पर जो चोर है उसे पुलिस ने सॉरी देखिएगा आप लोग, एज सून एज द थीप सा द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही जो क्या है जो चोर है उसने पुलिस को देखा वो वहाँ से भाग गया, ठीक है। ये हो रहा है इसका मतलब। अब आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, नो सूनर, और क्या करना है आपको यहाँ पर यूज़ देन, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको सबसे पहले एज सून एज की जगह पे क्या यूज़ करना है, नो सूनर। आप लिखिए नो सूनर, आपने लिखा नो सूनर, फिर इसके बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको किस में, इंट्रोगेटिव में। कैसे इंट्रोगेटिव में आपको क्या लिखना है, एज सून एज की जगह पे आपने नो सूनर लिखा, अब आपको लिखना है इसको इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर सा लिखा था बच्चों, तो जब भी सा आता है मतलब समझ जाइए पास्ट का इंडेफिनेट है। जब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड लगा कर बनाते हैं, तो हम लिखेंगे नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस। आपने फर्स्ट ऐसा बना लिया, अब आपको दोनों सेंटेंस के बीच में देन लिखना है, देन ही रैन अवे, वो वहाँ से भाग गया। क्या हुआ, वो वहाँ से भाग गया। आपको स्क्रीन पर भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि आपको क्या लिखना है, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रैन अवे, बस इतना आपको काम करना था, ठीक है। तो आप ऐसे ही करते हैं।